कि राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? आपको सत्य कथन बताना है कि कौन सा सत्य है। और इसमें अंतिम चरण की बात की जा रही है, तो अंतिम चरण जो सातवां चरण था, और सातवां चरण कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 यहाँ पर कहा जा रहा है कि अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में सम्मिलित किया गया। क्या 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में सम्मिलित किया गया? बिल्कुल सम्मिलित किया गया था। पहला क्षेत्र का पहला बिल्कुल सही। सिरोंज का बिला राजस्थान में किया गया, तो सिरोंज का बिला राजस्थान में किया गया था, ये भी बिल्कुल है। दूसरा सिरंज है, इसका बिला राजस्थान में किया गया, ये रॉन्ग है, क्योंकि सिरोंज और सिरोंज जो झालावाड़ का क्षेत्र था, और इस सिरोंज क्षेत्र को किसमें दे दिया गया था? एमपी में इसका बिलय किया गया था, जबकि जो एमपी का क्षेत्र था सुनील टब्बा, जिसका कोटा में बिलय किया गया था, राजस्थान में बिलय किया गया था। आबू देरवाड़ा को राजस्थान में सम्मिलित किया गया था, बिल्कुल आबू देरवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में सम्मिलित कब किया गया था? सातवां चरण 1 नवंबर 1956 में किया गया था। मत्स्य संघ को अंतिम चरण में राजस्थान में सम्मिलित किया गया था, बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि जो मत्स्य संघ और मत्स्य संघ का जो बिलय किया गया था वो पांचवें चरण में किया गया था, ना कि सातवें चरण में। तो इसमें पहला और तीसरा राइट आंसर होगा ए और सी। ए और सी किसमें? 1 और 3 सी ऑप्शन।